सहारनपुर जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 145 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें, नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने सहारनपुर के जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 145 करोड़ की 243 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया और उसके बाद प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, यह सरकारें सीमित रहीं, विकास कार्य कुछ भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जनों से अपील भी की कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजय बनाए। हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, आज भी हम उस पर पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, जब प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती, आज सुबह ही मिशन रोजगार के अंतर्गत 1354 स्टाफ नर्सेज की भर्ती की नियुक्ति प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, तो मुझे तब प्रसन्नता होती है जब प्रदेश के सभी 75 जनपद से जुड़े हुए युवा उसमें शामिल होते हैं और उनका चयन होता है। आज जब मैं देख रहा था तो सहारनपुर की भी कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र मुझे देना पड़ मैं दे रहा था, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ था और वे सरकारी नौकरी प्राप्त पा रही है। 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले सहारनपुर के अंदर पिछले 5 साल के दौरान जो निवेश हुआ है, उस निवेश में 1 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा अकेले आपके सहारनपुर जनपद के अंदर प्राप्त हुई है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वुड कार्विंग के कार्य को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर उनकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने मार्केटिंग मार्केट दिया है, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा है, उसकी ब्रांडिंग की है, वैश्विक मंच तक उनकी पहुंच को आसान बनाया है। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं इनका सामान बेचती हैं और वैश्विक मंच पर जब अपनी पहचान बनाता है तो सहारनपुर का नाम भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।